भारतीय टेस्ट टीम के कप्तान विराट कोहली विनिंग कॉम्बिनेशन में बदलाव करने के लिए नहीं जाने जाते हैं। भारत ने सेंचुरियन टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका को हराकर 3 मैचों की सीरीज में 0 की बढ़त हासिल कर ली है। सेंचुरियन का किला फतह करने के लिए टीम इंडिया को अधिक पसीना नहीं बहाना पड़ा। सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच सोमवार को जोहानिसबर्ग के वांडरर्स स्टेडियम में खेला जाएगा। वैसे तो टीम इंडिया विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ ही दूसरे टेस्ट में उतरना चाहेगी, लेकिन वांडरर्स की पिच को देखते हुए शार्दुल ठाकुर की जगह पेसर उमेश यादव को प्लेइंग 11 में शामिल किया जा सकता है। विराट कोहली हमेशा प्लेइंग 11 में सिम ऑलराउंडर को प्राथमिकता देते रहे, हालांकि वांडरर्स की पिच पर अधिक घास है, ऐसे में और सिम और स्विंग बॉलर को फायदा मिल सकता है। उमेश की गेंदबाजी के लिए यह विकेट मददगार है जो लगातार 135 प्लस स्पीड से फुलर लेंथ गेंदबाजी कर सकते हैं। सेंचुरियन टेस्ट में शार्दुल कुछ खास कमाल नहीं कर पाए थे, ऐसे में चौथे सिमर के रूप में उमेश यादव अच्छा विकल्प साबित हो सकते हैं। दूसरी ओर आर अश्विन की जगह हनुमा विहारी को मौका मिल सकता है। हनुमा के प्लेइंग 11 में शामिल होने से भारत की बल्लेबाजी को गहराई मिल सकती है। हनुमा एक दिन में कम से कम 10 से 15 ओवर स्पिन गेंदबाजी कर सकते हैं, ऐसे में उन्हें आर अश्विन की जगह मौका मिल सकता है। भारत के पूर्व कप्तान अजिंक्य रहाणे को इस मैच में ड्रॉप किया जा सकता है, उनकी जगह श्रेयस अय्यर को टीम में मौका मिल सकता है। रहाणे काफी दिनों से अपनी लय में नजर नहीं आ रहे हैं। वही दूसरी ओर अय्यर ने न्यूजीलैंड के खिलाफ शानदार शतक लगाकर अपने इरादे जाहिर कर दिए थे, ऐसे में कप्तान कोहली इस बल्लेबाज को टीम में शामिल कर सकते हैं। दूसरे टेस्ट मैच के लिए इस प्रकार हो सकती है भारत की संभावित प्लेइंग 11, जिसमें आपको केएल राहुल, मयंक अग्रवाल, चेतेश्वर पुजारा, कप्तान विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत विकेटकीपर, हनुमा विहारी, उमेश यादव, मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज को मौका मिल सकता है।